ये बच्चों को नहीं पता ये कौन सी पुस्तक है, ये भजन की पुस्तक है, और ये पुस्तक बच्चे पूरी आंख बंद करके पढ़ सकते हैं। लीजिए, ये कुछ कार्ड होते हैं जिनमें महापुरुषों की ये चित्र, तस्वीर या अंक बने होते हैं। ये बच्चे इनमें से कोई भी, सब एक से हैं, मैं और आप इनको पहचान नहीं सकते क्योंकि हम लोगों का भी ध्यान इस प्रकार अभी यहाँ पे ध्यान नहीं है। इसमें जो ध्यान विधि सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अब देखो, ध्यान में भी बहुत सारे अंग होते हैं। मतलब आपको ईश्वर को पाने का ध्यान अलग करना है और संसार को देखने का ध्यान अलग करना है। तो ये जो ध्यान है वो बच्चे ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा उनको दिया गया है ये पत्र। अब देखिए, मैंने कल ये बच्चे आए थे मेरे पास, तो मैंने अपने आंखों के सामने इनसे सब पढ़वाया, इन्होंने पढ़ के दिखाया, तो मैं तो सब देख चुका हूँ। आप लोगों के लिए तो केवल ये है कि आप भी अपने बच्चों में थोड़ा सा काम कर लें। हम केवल ये कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान दे दें ताकि आपके बच्चे भी अच्छे निकलें, अच्छे बने। क्योंकि आपके बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, क्योंकि हमारा देश आपके बच्चों से। दीजिए गुरुजी, राधे राधे। और इसमें कुछ कार्ड जैसे आपने बताए, मैं गुरुजी को बोलूंगा इसमें कोई भी कार्ड निकाल के बच्चे को दें, बच्चा आइडेंटिफाई करें। हाँ प्लीज, आप कोई भी कार्ड ये बच्चे को दीजिए। अभी बेटा आप कंसंट्रेट हुआ? हाँ हाँ बेटा पकड़िए। डी, गुरुजी ये कार्ड डी है, बच्चे ने बता दिया। प्लीज कैमरा थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। बेटा दोबारा जोर से बता दो। डी कौन सा कलर का बेटा? ये ब्लू, ब्लू कलर का डी। ओके बेटा, वेरी गुड। अब देख लीजिएगा ये ब्लू कलर का डी है, अब देख रहे हैं। और बाबू आपके हाथ में कार्ड है, प्लीज आप बताइएगा ये कौन सा कार्ड है? बनाना। कौन सा कलर का है? येलो। आप प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये जरूर है। बच्चे कैसे कंसंट्रेट। बेटा आपके पास भी एक कार्ड है, आप बताएंगे क्या कौन सा? क्रो। वाओ वेरी गुड। अब देखिएगा बच्चे अपने कंसंट्रेशन लेवल को, बच्चे बंद आंखों में भी पढ़ सकते हैं। बेटा आपके पास भी कार्ड, बताएंगे क्या? बेटा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। आप देखेंगे बच्चे बंद आंखों में भी इस, वेरी गुड। बेटा आप बताएंगे क्या? एप्पल। वाओ, ये तो गुरुजी कार्ड था जो ट्रेनिंग कार्ड है। मैं चाहूँगा कोई भी किताब है या किसी के पास जो भी, हाँ, और यहाँ पर एक किताब है बेटा गुरुजी ने दिए हैं। और यहाँ पर कौन सा पेज ओपन करना बताइए? 51। बेटा आप इसमें 51 वाला पेज ओपन करेंगे, आप एक बार देखिएगा सही ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 51 नंबर पेज। बच्चे आंख बंद करके वो 51 पेज भी निकाल सकते हैं। देखिए पेज भी बता सकते हैं कि पेज नंबर कौन सा है, क्या लिखा है, मतलब हाँ। ये अपने आप में एक अद्भुत है। भैया आपने बताएंगे इसमें 51 नंबर पेज ओपन किया है? हाँ बिल्कुल। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको बेटा आप रीडिंग कर ले, हिंदी पढ़ लेंगे ना आपने? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बेटा और आगे पढ़ो। मेरे नया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, मैं डरता नहीं रास्ते को, इंसान है मेरे दुख कोई याद। थैंक यू बेटा। गुरुजी आप देखे हैं जो कला मैं आप ही से सीखा हूँ, यही बच्चे को सिखा रहा हूँ। अच्छा ये ट्रेनर हैं भैया जी, और इन्होंने कथा सुनी है और कथा सुन के ध्यान की बहुत सारी चीजें इन्होंने ग्रहण की और इन्होंने बच्चों को सिखाया, तो ये देखिए सिखा पाए। मतलब कितना गहरा ज्ञान है हमारे सनातन धर्म का। ये छोटे बच्चे, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, क्यों जी ये सारे बच्चे सीख सकते हैं? सारे बच्चे सीख सकते हैं। योग साधना तप में ईश्वर में इतनी बड़ी ताकत है। अब जिनको लग रहा है कि ये यहाँ की बुक्स पढ़ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, मैं पढ़वा दूँ किसी भी महान भाव के पास। जी हाँ आपके पास है, प्लीज़ दीजिए।
इसका सेंटर है शहाबुद्दीनपुर स्कूल है, आरएलएस कॉन्वेंट स्कूल शहाबुद्दीनपुर बांगर करौदी के पास। ये एक आधार कार्ड मेरे पास आया है, मैं एक बच्ची को दे रहा हूँ, ये पढ़ेगी इसको। रजनीश कुमार अग्रहरी, जन्म तिथि 27/4/1960, पुरुष 7889622216। बहुत सुंदर, बस ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर तालियां हों बेटियों के लिए। और ये बात सिर्फ इसलिए कही गई है आप लोगों के लिए कि आप भी अपने बच्चों को लेकर जागरूक बनिए। जो आपके बच्चे नशा में, मोबाइल में, टीवी में उलझे पड़े हैं, उनका भविष्य मोबाइल, टीवी और कुसंग में नहीं है, उनका सही भविष्य। इसलिए बच्चों के साथ बैठकर कथा सुना करिए और थोड़ा ध्यान की तरफ जाइए, ध्यान करवाइए बच्चों से और धीरे धीरे अपने बच्चों को सही रास्ते पर। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, तो आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं। और ये हर बहुत जल्दी ये हमारे देश के कोने कोने में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये हमारे देश के कोने कोने में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये जो बच्चे हैं ये देश के कोने कोने में ये विद्याएं, आपका बेटा जिस भी स्कूल में पढ़ता है, आप उस स्कूल में जाकर कहिए कि आप हमारे बच्चों को ये सिखाइए, तो स्कूल वाले अरेंज करेंगे ऐसे टीचर को और वो आपके बच्चों को सिखाएंगे उसी फीस में, उसी में जो वहाँ का प्रोसेस हो वो आप समझिएगा। स्कूल के द्वारा ये विद्या बच्चों को दी जा सकती है, भारतीय स्कूल। और गौरी गोपाल गुरुकुल जो बनेगा वहाँ से मैं ऑनलाइन क्लासेस, सारी जो अच्छी अच्छी क्लासेस हैं वो पूरे देश के बच्चों के लिए रहेंगी, ताकि आपका बच्चा कहीं भी हो सब कुछ सीख पाए।